दिल्ली एनसीआर की स्काईलाइन गगनचुंबी इमारतों के बूते बदलने को बेताब है। जिस तेजी से जमीनें घट रही उसे देखते हुए इस तरह के हाईराइज प्रोजेक्ट्स वक्त वक्त की बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक हाईराइज में घर लेकर आप एक शानदार एड्रेस के मालिक बन सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हाई राइज यानी विकसित देशों के रियल एस्टेट की पहचान। जिस देश में जितनी ऊंची हाई राइज बिल्डिंग, वो देश उतना ही विकसित और आधुनिक नजर आता है। प्रोफेशनल दुनिया में आगे रहने वाले, सफलता जिनके कदम चूमती है, जीतना जिनकी आदत है, हाई राइज प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही लोग घर खरीदते हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने भी 28 मंजिला बिल्डिंग एंटीलिया को अपने आशियाने के तौर पर बनवाया। जितना ऊपर की मंजिल पर आप रहते हैं, उतना ही शोर प्रदूषण से छुटकारा मिलता है। भाग दौड़ भरे जीवन में ऐसा घर सुकून दिलाता है। हाई राइज की इन खूबियों से पहले आता है हाई राइज में रहने वालों का स्टेटस सिंबल। आधुनिक तकनीक की मौजूदगी ने हाई राइज की पहुंच का दायरा बढ़ा दिया है। अब बहुत से लोग इस तरह के प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं। स्काईस्क्रैपर्स में सिर्फ हाई एंड मकान बिकते हैं, मैं लो एंड भी बना सकता हूं। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, जैसे आप एग्जांपल ले लें, हांगकांग का ले लें, शंघाई का ले लें, सिंगापुर का ले लें, तो वहां सब अफोर्डेबल होम्स ही बनते हैं हाई राइज में। मैं तो लैंड की बात कर रहा हूँ, कम लैंड में हाई राइज आप हमें अलाउड कर दें तो हम और अच्छे से अफोर्डेबल भी दे सकते हैं। हाई राइज के लॉन्च होने और बनने का सिलसिला सबसे पहले मुंबई में शुरू हुआ था। देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी मुंबई में बनाई जा रही है। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली एनसीआर में भी एक के बाद एक कई डेवलपर्स ने हाई राइज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हर बार लॉन्च होने वाला नया प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से ज्यादा ऊंचा और ज्यादा खूबियों से लैस होने का दावा करता है। जितने भी हाई एंड फीचर्स वर्ल्ड के किसी भी प्रोजेक्ट में सोच सकते हैं, वो सारे हमने इस प्रोजेक्ट में डाले हैं। टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, इसमें 3 बेडरूम से 8 बेडरूम तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर इवन द बेसिक 3 बेडरूम जो हमने लिया है वो 3000 स्क्वायर फीट से शुरू है, तो जो लग्जरी का अनुभव है वो राइट फ्रॉम द साइज शुरू हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल सुपरटेक ग्रुप सुपरनोवा के नाम से 80 मंजिला ऊंची बिल्डिंग बना रहा है। नॉर्थ आई के नाम से भी सुपरटेक का एक हाई राइज प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 74 में बनाया जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ब्रॉयस ग्रुप 81 मंजिल ऊंची इमारत बना रहा है। गुड़गांव में रेवांता के नाम से रहेजा ग्रुप 56 मंजिला टावर बना रहा है। गुड़गांव में आईरियो ग्रुप 51 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है। 3C ग्रुप नोएडा में दिल्ली वन के नाम से 42 मंजिला इमारत बना रहा है। इन दिग्गज प्रोजेक्ट्स के अलावा आरजी ग्रुप, उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप समेत कई और डेवलपर्स गगनचुंबी इमारतों को बनाने में जुटे हैं। हाई राइज के इतने विकल्प लोगों को मिल जाने से इनके निर्माण में तेजी आई है, साथ ही कीमतें भी लोगों की पहुंच में आ गई हैं। एक मिथ है कि हाई राइज बिल्डिंग को बनाना शायद बहुत ही चैलेंजिंग बात है। जब दुबई, हांगकांग सब कंट्रीज बना सकती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे पास तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत है सही टेक्निकल नो हाउ की, सही कॉन्ट्रैक्टर की, सही बेसिकली एक टीम अच्छी होनी चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को टाइमली कम्प्लीट कर सके। अब बात करते हैं हाई राइज के फायदों की। एक रिसर्च के मुताबिक 8वीं फ्लोर से ऊपर रहने वालों को फेफड़ों संबंधी बीमारियां 40% कम होती हैं। ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वालों को हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी 35% तक कम होती हैं। ऊंची इमारतों में रहने वालों को वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम झेलना पड़ता है। डॉक्टर्स का मानना है कि हाई राइज बीमारियों से छुटकारा दिलाने में असरदार साबित हो सकता है। हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। अगर हम प्रॉस या फायदों की बात करें तो फायदा ये है कि डेफिनेटली पोल्यूशन उस लेवल पे कम रहता है। एयर मतलब हवा, पानी, धूप, ये सब ज्यादा अच्छे से आती हैं, सो ये एक फायदा है। मगर कुछ कुछ लोग, जैसे किसी किसी को हाई राइज से डर होता है, तो इट इज वेरी डेंजरस उन लोगों के लिए, जैसे हाई बिल्डिंग से नीचे देखने का फोबिया होता है लोगों को, तो उनके लिए ये चीज सही नहीं है। हाई राइज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी
जबकि इसे बनाने की भरोसेमंद तकनीक पहले हमारे देश में नहीं थी। लेकिन अब विदेशों में हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाने वाली अरबटेक और बिलिमोरिया जैसी कंपनी इन्हें अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई। जिस तरह की लग्जरी इन प्रोजेक्ट्स के साथ परोसी जा रही है और जैसी अल्ट्रा मॉडर्न लिफ्ट इन प्रोजेक्ट्स की शान बढ़ा रही है, उससे ग्राउंड फ्लोर से 50वें फ्लोर तक महज कुछ सेकंड में आप पहुंच सकते हैं। यानी अगर आपका बजट अनुमति देता है और आप भी दुनिया की भीड़ से अलग हटकर एक ख्वाबों का घर खरीदने का सपना देखते हैं, तो हाई राइज को आपका ही इंतजार है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। शुरू करते हैं हमारे साथ।